प्रणाम सुंदर साज जी, पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 37 की 100 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाई का पाठ करेंगे। सुंदर साज जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साज आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साज जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तब कोई नहीं किसी के संग, दुख सुख लेवे अपने अंग, करूं ब्रह्म सृष्टि को मिलाप, अखंड सुख सूर उदय भयो आप। फिर कोई भी उसका साथ नहीं देगा, सबको अपने दुख सुख स्वयं भोगने पड़ेंगे। अब अखंड ज्ञान का सूर्योदय हो गया है, अतः इसके प्रकाश में समस्त ब्रह्मात्माओं को एक सूत्र में बांधकर उनका मिलाप करवाता हूँ। विश्व मिली करने दीदार, पीछे कोई ना रहे मिने संसार, ब्रह्म सृष्ट को पिया संग सुख, सो कहियो न जाए या मूख। समग्र विश्व के लोग पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन के लिए एकत्र हुए हैं, कोई भी दर्शन से वंचित नहीं रहना चाहता। ब्रह्मात्माओं को तो अपने धनी के मिलने से जो आनंद प्राप्त हुआ है उसका वर्णन इस जीवा से नहीं हो सकता। ब्रह्म सृष्ट को ऐसो नूर, जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर जो कर, किए नेह चल देख नजर। ब्रह्म सृष्टियों का ऐसा तेज है कि जिन मानवीय जीवों का अंकुर परम धाम में नहीं था, उन्हें नया अंकुर प्रदान कर उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि के द्वारा उनको अखंड कर दिया। श्री धनी जी को दीदार सब कोई देख, होए गई दुनिया सब एक, किन्हो कछुए ना कहयो, क्रोध ब्रोध काहू को ना रहयो। धाम धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर दुनिया के सभी लोग एक रस हो गए। इस विषय में कोई भी कुछ नहीं कह पाया, जिस किसी के भी मन में क्रोध विरोध इत्यादि नहीं रहे। श्री धनी जी को ऐसो जस, दुनिया आपे भई एक रस, तेज ज्योत प्रकाश जो ऐसो, काहू संसेना रहो केसो। धाम धनी की कीर्ति ही ऐसी है कि सारी दुनिया स्वतः एक रस हो गई। उनके दिव्य ज्ञान का तेजस्वी प्रकाश ही ऐसा है कि जिससे किसी भी प्रकार से संशय शेष नहीं रहते। सब जाते मिली एक ठोर, कोई ना कहे धनी मेरा और, पिया के बिरह सो निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबको सबों को दिए। सब जातियाँ एक स्थान पर एकत्र हो गई। अब कोई भी ऐसा नहीं कहता कि पर ब्रह्म परमात्मा को छोड़कर मेरा कोई दूसरा स्वामी है। धाम धनी ने ब्रह्म आत्माओं को अपना विरह देकर उनके अंतःकरण को निर्मल बना दिया और फिर सबको अखंड सुख प्रदान किया। ए ब्रह्म लीला भई जो इत, सो कब कब हुई ना हो सी कीत, ना तो कई उपज गई इंड, भी आगे हो सी कई ब्रह्मांड। इस संसार में यह जो ब्रह्मलीला हुई है वह पहले कभी भी कहीं भी नहीं हुई थी और भविष्य में भी नहीं होगी, अन्यथा अक्षर ब्रह्म की कल्पना मात्र से अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए हैं और भविष्य में भी होंगे। ये तीन ब्रह्मांड हुए जो अब, ऐसे हुई ना हो सी कब, इन तीनों में ब्रह्मलीला भई।
ब्रजरास और जागनी कही। ये तीन ब्रह्मांड ब्रज, रास और जागनी इस बार बने हैं, ऐसे कभी भी नहीं हुए थे और भविष्य में भी नहीं होंगे। इन तीनों में ब्रह्मलीला संपन्न हुई है, जिन्हें ब्रजरास और जागनी कहा गया है। जो नींद में देखिए सुपन, यो ब्रज को सुख लियो संयन। सुपन जोग माया को जोए, आधी नींद में देखिया सोए। जैसे नींद में स्वप्न देखा जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म आत्माओं ने व्रज लीला के सुख का अनुभव किया। योग माया के रासमंडल का स्वप्न आधी नींद में देखा। कछुक नींद कछुक शुद्ध, रास को सुख लियो या विध। जागनी को जागते सुख, ए लीला सुख क्यों कहूँ या मुख। कुछ निंद्रा अवस्था में तथा कुछ जागते हुए ब्रह्म आत्माओं ने रास का सुख अनुभव किया, किंतु जागनी लीला का सुख तो जागृत अवस्था में प्राप्त कर रहे हैं, अतः इस लीला का सुख जीवा से बताया नहीं जा सकता। जागनी में लीला धाम जाहिर, निशान हृदय लिए चित धर। तब उपजियो आनंद सबो करार, ले नजरो लीला नित विहार। इस जागनी में परम धाम तथा वहाँ की अखंड लीला स्पष्ट हुई है। सभी ने परम धाम के संकेत अपने हृदय में धारण कर लिए, तब सबके हृदय में परम आनंद तथा परम शांति का अनुभव हुआ। सबने परम धाम की लीला के नित्य विहार का दर्शन किया। इत ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। धनी महामत हस ताली दे, साथ उठा हसता सुख ले। तारतम ज्ञान के प्रताप से ब्रह्म आत्माएं संसार में रहती हुई भी परम धाम में जागृत हुई, सबके मनोरथ सब प्रकार से पूर्ण हो गए। महामती कहते हैं, धाम धनी ने ब्रह्म आत्माओं को जागृत करने के लिए हंसते हुए ताली दी और समस्त ब्रह्म आत्माएं भी हंसती हुई परम धाम में जागृत हुई। प्रकरण 37 चौपाई 1185 श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी संपूर्ण। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के ग्रंथ का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।